Underjet. नमस्कार दोस्तों, मैं ओम यादव। कैसे हैं आप सब? हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही आपको एक बड़ी सारी लिस्ट आएगी। उसमें मार्बल को लगाने और मार्बल को क्या लगाना है, उसके प्लस माइनस और उसकी फिटिंग के सभी वीडियो आपको मिलेंगे। तो उससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि आपको क्या लगाना है और किस तरीके से लगेगा। तो उसी कड़ी में मैं आप जो लेके आया हूँ वो आपको लगाने के लिए, एक मकान जो नया बना है उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है आजकल और सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो वॉश बेसिन काउंटर। वॉश बेसिन काउंटर दोस्तों, जो आपका मेन लॉबी है या मेन आपका जो लिविंग एरिया है वहाँ लगाया जाता है और उसको भी सुंदर बनाने के प्रयास किए जाते हैं। पहले तो एक तरह से सिर्फ एक पॉट होता था और उसको दीवार में लगा देते थे, और अब उस पर उससे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वो ये है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ बनाई गई है, सबसे पहले दीवार पर ध्यान दिया जाता है कि आपने ये टॉप किस मटेरियल का ले रहे हैं। दोस्तों, इटालियन जिसको कहते हैं इम्पोर्टेड मार्बल का इटालियन मेटल जो आता है, ये उसका बनाया गया है। ऐसा सेरेमिक में भी उपलब्ध है। सेरेमिक का सस्ता पड़ता है, इटालियन इम्पोर्टेड का थोड़ा महंगा पड़ेगा। उसके बाद ये जो काउंटर बनाया जाता है, ये आप इसमें काउंटर में क्या लगा रहे हैं? तो काउंटर इसका ये बनाया गया है, ये साउथ ब्लैक का ग्रेनाइट है। साउथ ब्लैक का ग्रेनाइट हार्ड होता है, ब्लैक होता है, सबके साथ आपका इसका मैच हो जाएगा। जैसे आपने वाइट लगाया है तो इसका मैच हो जाएगा, यहाँ पिंक या कुछ भी लाइट शेड लगाते तो उसका भी आपका उसमें मैच हो जाता। ये इसका काउंटर हो गया। और उसके बाद ये आपकी वॉल जो हो गई, इस वॉल को भी बहुत अच्छे से सजाया जाता है, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ लगाई है सेरेमिक टाइल। ये सेरेमिक टाइल लगाई है और यहाँ अलास्का गोल्ड, जी हाँ, अलास्का गोल्ड जो उपलब्ध है यादव मार्बल में, ये अलास्का गोल्ड है, उसका बॉर्डर दिया गया है। बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों, बहुत शानदार। और अलास्का गोल्ड के साथ ये ब्लैक जो साउथ है उसका भी बहुत अच्छा मैच खा रहा है, अच्छी चीज़ जा रही है। दोस्तों, यही एक बात होती है कि भाई आप जो दो चीज़ें लगा रहे हैं उनका कॉन्ट्रास्ट कैसे बैठेगा, उनकी मैचिंग कैसी बैठेगी, कुछ अलग ना दिखे, कुछ यूनिक के चक्कर में कुछ गड़बड़ ना दिखे। और ये एक चीज़ और दिखा सकता हूँ दोस्तों, ये तो आप अपने घर पे बिना बनाए भी लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे आपका बिल्कुल मिरर है और जैसे आप इसको चेंज करना चाहते हैं कलर को, तो बिल्कुल मतलब बटन पे हाथ लगाते ही, बहुत टेक्निकल चीज़ें आजकल फास्ट हो गई है या बहुत इम्प्रूवमेंट आ गए हैं, तरह तरह के ऑप्शन हैं मार्केट में। आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप फिर दबाएँ, ये ब्लू कलर हो गया, पहले पिंक था फिर ब्लू हुआ और अब ये थोड़ा सा लाइट पिंक हो गया, पर्पल शेड हो गया और ये इस तरह का नॉर्मल है। तो ये इसमें बहुत सारे ऑप्शन है इस तरह के। सिर्फ कुल मिला के जो आपका ये जो वॉश बेसिन टॉप होता है उसकी सुंदरता देने के लिए या उसको कुछ सुविधाजनक करने के लिए चीज़ें बनाई गई है वो सब ये है। और ये इसका एक नीचे से इसका पोर्शन है जो आप देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छी लगती है। इसमें आप नीचे ये इसके अंदर जो भी खुला होता है वो सब इसके अंदर आ चुका है, सिर्फ आपका टॉप दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। इसमें आप अपना सफाई का कुछ प्रोडक्ट है तो वो आप इसमें रख सकते हैं, या कुछ चीज़ें जो आपको नहीं दिखानी है वो आप रख सकते हैं। इसके ऊपर ये फर्नीचर का हो गया, ये लकड़ी का फर्नीचर है तो इसके ऊपर किया गया है और ये इसकी बॉर्डर दी गई है, बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। हैंडल वगैरह नहीं दिए गए हैं, यहीं से खुलेगा ताकि अच्छा दिखे, कुछ नया दिखे। नए के नाम पर दोस्तों हर आदमी कोशिश करता है कि उसकी चीज़ सबसे नई दिखे, तो ये इसमें कोशिश है। और ये इसका जो दिया गया है टैब वो भी बहुत यूनिक है दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है, आराम से चल रहा है और ये मानिए कि बिल्कुल सुविधाजनक है। अच्छा दिखना चाहिए, सुविधाजनक दिखना चाहिए। उसके अलावा ये मानिए कि आपको कोई कहे कि हाँ यार, क्योंकि नया मकान बनता है तो सब सोचते हैं कि यार मैं नया क्या लगाऊँ, मेरा सबसे अलग कैसे दिखे, सस्ता कैसे पड़े। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं। अलास्का इसमें काम में लिया गया, इसमें इम्पोर्टेड मार्बल काम में लिया गया, इसमें साउथ ब्लैक काम में लिया गया, इसमें टाइल्स काम में ली गई और ये बाकी एसेसरीज़ हैं जो काम में ली गई। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं दोस्तों, आप इसमें और भी चेंज कर सकते हैं, आप टॉप चेंज कर सकते हैं, आप इसका काउंटर चेंज कर सकते हैं, आप इसमें टैब चेंज कर सकते हैं, आपका ग्लास जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे आने वीडियो में अगर मुझे दिखती है या मेरे सामने आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ताकि आप उसमें कर सकें, या आपने कुछ बनाया है तो आप मुझे शेयर करें ताकि मैं सबको बता सकूं कि आपने क्या यूनिक बनाया है। आपको देखकर हो सकता है लोग उसको कुछ अच्छा सीख सकें और या आप जैसा कुछ बना सकें। तो ये एक वीडियो है दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में भी मैं इस मकान के बाकी पोर्शन लूँगा ताकि आपको पता लग सके कि आजकल मार्केट में नई डिज़ाइन क्या चल रही है, नई फिटिंग क्या चल रही है, किस तरह नया आप कर सकते हैं। तो और इसमें एक चीज़ और बताऊँगा, अलास्का की जो बॉर्डर दी गई है,
ये अलास्का की पूरी गोल्ड की बॉर्डर दी गई है। इन्होंने फर्श में टाइल लगाई है, ये सेरेमिक टाइल है जो आप देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो बॉर्डर दी है वो गोल्ड की यूज़ की है, जो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, मैचिंग अच्छा रहा है। और दोस्तों ये सबसे मजबूत भी काम होता है, जब आप कहीं इस पर लग रहे हैं तो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए बॉर्डर, तो इन्होंने अलास्का गोल्ड काम में लिया है, अच्छा लग रहा है, अच्छा ऑप्शन है, अच्छी सोच है। तो इसी के साथ ही दोस्तों, और कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आपके फ़ोन बराबर आ रहे हैं, उसका पूरा जवाब दिया जाता है। मेरी टीम हमेशा इसी काम में लगी रहती है कि आपकी छोटी से छोटी कोई आपकी आवश्यकता है या आपकी नॉलेज है वो कहीं कम पड़ रही है, तो हमारी टीम आपका साथ दे, आपको उसको क्लियर करे। और उसके साथ यादव मार्बल हमेशा ऐसे ही आपका साथ देता रहेगा। ओम यादव, जय हिंद, जय भारत, यादव मार्बल।